हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया हनी, नया नहीं, ये द बेस्ट इंडिया कंपनी का हनी है। वो इससे पहले मैंने इसी कंपनी का एक आम का फूल का जो हनी बनता है उसका मैंने डाला था, ये उसी कंपनी का है, लेकिन ये मोनोफ्लावर का है। ये मेरे पास कल को पहुँचा है, अभी मैं इससे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको मैं रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसको काटता हूँ। ये उल्टा रखा गया था दोस्तों मेरे से, अब मैं सीधा कर लेता हूँ। ये है खाली कागज, इसको मैं फेंक देता हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये है हनी। ये यहाँ देखिए, इससे पहले भी द मुर्मू ईस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट हनी, लेकिन ये फॉरेस्ट हनी है। इससे पहले जो मैंने डाला था वो आम का फूल वाला था, मैंगो फ्लोरा, उसका यहाँ पर अलग दिखेगा। यहाँ पर आम का फल लगा हुआ है और इसमें हिमालय जो पहाड़ है उसका जो चित्र है उसको यहाँ लगाया गया है। रुको, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टिकर पर क्या क्या लिखा हुआ है। इधर अगर हम पलटते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलेक्टेड एवरी जनवरी वंस अ ईयर। इसका मतलब है कि साल में सिर्फ एक ही बार इसको कलेक्ट किया जाता है जंगल से, 12 महीना में सिर्फ एक ही महीना, और जो 11 महीना जो बचता है उस तक में कभी कुछ इसका कलेक्शन नहीं होता है। इस कंपनी का कहना है कि डायरेक्ट ये जो हनी हम लोग लेते हैं डायरेक्ट छत्ता से लेते हैं, बी फार्मिंग या बी फार्म कंपनी से ये लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। इसको कलेक्ट करने के लिए कंपनी के जो ओनर हैं उसने हमें बताया कि मैंने संथाल कम्युनिटी, जो एक आदिवासी कम्युनिटी होता है संथाल, अधिकतर इस कम्युनिटी के जो लोग हैं झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हनी कलेक्ट करते हैं वे लोग, ये हिमालय में भी ये कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। जैसे यहाँ पर जो कलेक्ट करते हैं उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है रिमिल मुर्मू, ये एक संथाल है, जो संथाल जो जाति है उसका एक टाइटल होता है, 12 टाइटल में एक टाइटल मुर्मू है, तो उनके द्वारा कलेक्ट करके कंपनी इसको बेचती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूरा जो लिखा हुआ है सब मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा देर के लिए स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर प्राइस दिखा देता हूँ, ये 490 रुपये पड़ेगा 350 ग्राम का। ये जार कांच का जार है, इस कांच के जार में 350 ग्राम है, 490 रुपये में आपको पड़ जाएगा। और एक बात दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, हनी कांच के डिब्बे में ही इसको रखा जाना चाहिए, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का डिब्बा रिएक्शन करता है, उसमें कुछ केमिकल मिल सकता है, लेकिन कांच तो मेरे अनुसार बालू से ही बनता है, तो इससे आपको कोई हानि नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, इसलिए कांच के डिब्बा में जो हनी रहता है वही अच्छा होता है। चलिए अब मैं इसके सील को फाड़ता हूँ, मैंने फाड़ दिया, अब मैं अंदर का जो हनी है उसको मैं दिखाता हूँ। इस हनी का महक, आप में से जिसको पसंद है हनी, आप इसको खरीद के खाइए, टेस्ट कीजिए, आपको एकदम ज़रूर इसका जो महक है, इसका जो टेस्ट है, छत्ता की तरह ही लगेगा। अगर आप में से किसी ने हनी, जो मधुमक्खी का छत्ता है, कभी आपने छत्ता के साथ हनी खाया भी है, अगर खाया है तो आपको पता चल जाएगा कि इस हनी का जो टेस्ट है एकदम प्योर छत्ता की तरह आपको लगेगा। ठीक है, आपको मैं इसको कटोरा में लेके दिखाता हूँ, इसका जो गाढ़ापन है पतला है या गाढ़ा है। इससे पहले वाला जो हनी था वो पतला था और ये भी पतला ही है, तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं निकालता हूँ। मुझे तो ये पता है, इससे पहले मैंने खा चुका है और इसको खाने के बाद मुझ में क्या परिवर्तन आया है, वो मुझे बहुत परिवर्तन आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए इसका, और बाकी की हनी की तरह तो ये उतना गाढ़ा नहीं है, पतला ही है, लेकिन टेस्ट आपको लगेगा एकदम प्योर छत्ता की तरह, जैसे आपको लगेगा कि छत्ता से चूस के खा रहे हों।
जिसको भी कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आप खा के देखिए, क्योंकि मुझे तो कॉन्स्टिपेशन था तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आपके शरीर में गर्मी है, जलन लगता हो शरीर में, हाथ या पैरों में जलन लगता हो, अगर आपको कमजोरी लगता हो तब भी हनी खाइए, और वैसे नहीं भी लगता हो तब भी हनी खाइए, क्योंकि हनी खाना कोई ख़राब तो है नहीं, कोई केमिकल या कोई दवाई तो है नहीं, ये आप इसको डेली यूज में ले सकते हैं। ये जो कंपनी है द बेस्ट इंडिया कंपनी, इसका तीन प्रकार का ही हनी आता है। ये तो है मोनोफ्लावर फ्लोरा बोलिए, और एक तो है मैंगो फ्लोरा, और तीसरा है सरसों का फूल का। अगर आप में से किसी को हनी चाहिए या यूँ ही टेस्ट करना चाहते हैं, या आपका जो बीमार है उसके लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सबसे पसंदीदा अगर कोई हनी मेरा है तो यही हनी है मेरा, द बेस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी मोनोफ्लावर का, क्योंकि इसका टेस्ट अलग ही है। इसका टेस्ट एकदम प्योर छत्ता की तरह आपको लगेगा। इससे पहला जो मैंने डाला हुआ था वो मैंगो फ्लोरा का, उसका टेस्ट कुछ अलग ही था। मंजर एक टेस्ट नाम टेस्ट का नाम है मंजर, उस टाइप का लगा। मुझे तो गुड़ की तरह लगा, लेकिन उससे अलग है, हाँ उस तरह लगा, लेकिन वो मैं बोलना चाहता हूँ, ये आपको प्योर छत्ता की तरह लगेगा इसका टेस्ट। मुझे ये हनी इतना पसंद है कि इससे पहले मैंने एक डब्बा ख़रीदा था, वो खा करके मैंने ख़त्म कर दिया। मेरे शरीर में जो भी तकलीफ था, जो भी जिस भी प्रकार का, या कॉन्स्टिपेशन का या कमजोरी का या कुछ भी, जिस चीज़ के लिए मैंने ख़रीदा वो चीज़ का मुझे लाभ मिल गया। तो मैंने सोचा कि ये दूसरा भी मैं मंगा लूँ। इससे पहले मैं सिर्फ टेस्ट और ट्राई करने के लिए इसी कंपनी का मैंगो फ्लोरा का मैंने ख़रीदा था, जबकि मुझे सबसे अधिक पसंद और सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा है मोनो फ्लोरा का। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं एक और डब्बा आपको दिखाता हूँ जो मैंने खा करके ख़त्म कर दिया है। ये डब्बा है, पहले यहाँ अलग होता था, पहले कंपनी का लोगो रहता था, अब कंपनी का लोगो छोटा कर दिया गया है। और इस हनी को जो आदमी कलेक्ट करते हैं, मैंने ये कम्युनिटी के लोग हैं, ये अकेले नहीं करते हैं, और भी लोग करते हैं, बस यहीं पर अंतर किया गया है स्टिकर में। स्टिकर जो कंपनी का लोगो के साथ अब ये डाला गया है इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा गया ये क्या करते हैं, कहाँ के हैं। अब मैं आपको खाली डब्बा दिखाता हूँ, ये खाली डब्बा है, देख लीजिए, मैं इसको खा के ख़त्म कर चुका हूँ, इतना पसंद आया मैं इसको खा के ख़त्म कर। अंदर मेरा जीरा रखा हुआ है दोस्तों, इस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप में से किसी को यह हनी चाहिए तो मैं आपके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मंगा लीजिए, खाइए, और आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको यह हनी कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।